हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं केक, और वो भी केक बनाने वाले नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, क्योंकि हम ये इसके साथ फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो आप लोगों, चलिए हम इसका रेसिपी शेयर करते हैं। अगर ये सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छा है ये मेरे लिए, क्योंकि केक बनाने का आसान पड़ जाएगा। और ये आटा है, आटा केक मिक्स है, जो कि है ब्लैक फॉरेस्ट का। तो ये ब्लैक फॉरेस्ट हम लोग का सक्सेस होता है कि नहीं, चलिए देखते हैं इसको बना करके। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ज़रूर। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, और जो इसमें लिखा है उसी हिसाब से बनाएंगे। इतना दिमाग आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है, ओवन में भी बना सकते हैं या फिर कुकर में भी बना सकते हैं। जिसके पास ये नहीं है वो इसमें बना सकते हैं। तो ये इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या इसमें मिलाने के लिए बोला है, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ ही इसमें मिलाएंगे। बाकी अपने हिसाब से भी कभी कभी इसमें अपना आइडिया भी लगाने का कोशिश करेंगे, जो कि इसमें नहीं है। तो चलते हैं बनाने के लिए। क्या देख सकते हैं, ये एक ही पैकेट निकला है। अब ये पता नहीं कैसे बनेगा, कि कैसा लगेगा पता नहीं। चलिए इसको फाड़ के देखते हैं। तो गाइस, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इसमें मिलाने के लिए दिया है। इसमें दही मिला सकते हैं, दो अंडा मिला सकते हैं, या फिर इसमें अंडा भी नहीं भी डाल सकते हैं। तो इसमें दही डालना है और ऑयल मिक्स करना है। तो हम लोग दो चम्मच लेंगे। अगर एक ही पैकेट है तो एक चम्मच लेंगे, और दो पैकेट रहेगा तो दो चम्मच लेंगे। और दो मिनट के लिए इसको चलाना है, इसमें मिलाना है। आप देख सकते हैं इसका बैटर, तो उसी हिसाब से हम लोग अभी इसमें चलिए मिलाते हैं। तो गाइज, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एक चम्मच इसमें मिलाने का कोशिश करी है, और थोड़ा सा हल्का सा और ले लेंगे चम्मच में तेल। फिर इसके बाद इसमें मिलाने के लिए, अभी हम नहीं मिलाएंगे, तेल है ना, तो फिर इसमें पानी को ऐड करेंगे। कम से कम दो से ढाई कप इसमें पानी लगेगा। कप के हिसाब से लीजिएगा, नाप के। मैंने ग्लास में लिया है, वो भी नाप के लिया है। और इसको खूब अच्छे तरीके से फेंटना है, फिर फेंटते रहेंगे इसको अच्छे तरीके से, ताकि इसमें लम्स ना बैठे। और इसमें इसे अभी मैं चम्मच से चला रही हूँ, क्योंकि ये शुरू शुरू में बहुत हार्ड होता है चलाने के बाद, मतलब चलाते चलाते थोड़ा हार्ड होता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसमें हम लोग चलाएंगे। इसमें आप हो सके तो इसमें आप लोग दूध ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते चलेगा, लेकिन दूध ऐड करना थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा बेटर था। लेकिन मैंने इसमें लिया नहीं है, मैंने सिर्फ पानी से ही बनाया है। मुझे लगा कि ये सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जो केक रेगुलर बनाते हैं वो दूध डाल के या फिर बटर डाल के कुछ भी बना सकते, इसमें कुछ भी कैसे भी करके बना ही लेते हैं। लेकिन मैं जैसा लिखा हुआ है उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि इसमें और क्या क्या लगेगा, तो उस हिसाब से मैंने इसमें डाला है। और इसको देखिए मैं कितना स्पीड में इसको फेंट रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने कैमरा को भी स्पीड कर दिया है, ताकि वो लगे कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा फिट आ रहा है। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, कम से कम 8 से 10 मिनट तक का ये हम वीडियो बनाने का सोचे थे, लेकिन इतना देर हो रहा था ना कि क्या बोले। मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस केक में। और इसमें मैंने देखिए 2 चम्मच ही दही लिया है, एकदम लिखा हुआ है उसी हिसाब से मैंने लिया है, क्योंकि अगर ऐसा वैसा कुछ भी अगर हुआ तो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा अपना वो ना करते हुए मैंने इसमें 2 चम्मच दही को ले ही लिया है। और इसमें 50 ग्राम दही ऐड करने के लिए बोला, लेकिन जिस हिसाब से ये बैटर है उस हिसाब से हमको नहीं लगता 50 ग्राम लगेगा, तो इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच ही ऐड किया। कहीं हमको लगा कि कहीं खट्टा खट्टा ना हो जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कर्ड लिखा हुआ है, तो हम लोग उसी हिसाब से लिए। आप लोगों को मैंने दिखा दिया, अपने दिमाग से कुछ भी हम लोग इसमें नहीं किया है। फिर देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है, फिर इसको भी अच्छे तरीके से फेंटना है। फिर मैंने चम्मच से नहीं फेंटा था, थोड़ा देर के लिए चम्मच से फेंटा था, क्योंकि इतना ये कड़ा हो जाता है ना कि चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा स्पीड में इसको चला लिया है, और इसके बाद मैं इसको उसमें फेंटूंगी, ये इससे मैं फेंटूंगी। फिर ये देखिए कितना अच्छे तरीके से ये हो जाएगा, घुल मिल जाएगा, और इसका पेस्ट बहुत एकदम स्मूथ बन जाता है इससे फेंटने में ना, तो बहुत स्मूथ बन जाता है। और ये एगलेस केक है, तो मुझे नहीं लगा था कि ये फूलेगा, लेकिन ये लास्ट तक वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में जो होता है ना ये बहुत अच्छा एकदम स्मूथली हो जाता है, और इतना सुंदर स्पॉन्ज केक बनता है कि मैं क्या ही बोलूं। आप लोग भी घर में ट्राई कर सकते हैं। और ये कुकर का आइडिया ना एकदम सॉलिड था, क्योंकि हम कुकर का आइडिया से ही बनाए हैं। और ये देखिए मैंने एल्युमिनियम का कुछ भी नहीं लिया है,
तो इसीलिए मैं स्टील का टिफिन में मैं बना रही हूँ। और बात मानिएगा, इसमें एकदम अच्छे तरीके से बन जाएगा। और इसमें देखिए कम से कम 1.5 चम्मच मैंने ऑयल लिया है, वो भी रिफाइंड ऑयल लिया है। और इसको अच्छे तरीके से इसमें मिला देंगे, और फिर जब मिला लेंगे तो इसमें हल्का सा मैदा भी देंगे, लेकिन अभी नहीं, इसको पूरा अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। उसके बाद ही फिर लास्ट में हम लोग इसमें मैदा डालेंगे, वो पेस्ट डालने से पहले। तो ये देखिए मैदा मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो हो सके ना तो आप लोग चीनी पीस के भी पेस्ट में आप लोग मिला सकते हैं, अगर मीठा ना लगे केक तो। तो इसीलिए मैं ऊपर से टिप बता दे रही हूँ, एडिशनल है। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें मैदा को ऐड कर दिया है, और इस हिसाब से अगर उखर जाए तो। ये ट्रिक मैंने देखा था पहले कहीं देखा था ये ट्रिक को। और इसमें देखिए मैंने अब ये पेस्ट को मिला दिया है, एकदम सुंदर सा केक एकदम बन के निकलेगा। अभी हम इसको 1.5 घंटा के लिए छोड़ देंगे इसको कुकर में। तो सबसे पहले इसको सेट होने के लिए थोड़ा देर के लिए इसको रख देंगे, जब ये सेट हो जाएगा तभी हम लोग इसको कुकर में डालेंगे। तो फिर अभी हम लोग कुकर को गर्म कर लेते हैं, हम गर्म पहले से ही कर लिए थे कुकर को। और उसमें हल्का सा ही नमक ऐड करिएगा, क्योंकि अभी मैं जो बना रही हूँ वो ताज़ा नमक है, अभी उसको मैंने यूज नहीं किया था कहीं पे भी। जो खाना बनाने वाला नमक होता है ना, उससे मैंने बनाया है, और अनहाइजीनिक नमक नहीं है। तो इसीलिए मैंने देखिए एकदम ताज़ा नमक लिया है, कम से कम 4-5 चम्मच लिया था। और फिर अभी इसमें देखिए मैंने इसमें एक प्लेट लगा दिया छोटा सा, जिस हिसाब से वो बैठ जाए। और ये कुकर बहुत ही हीट है, तो मैंने पहले से ही करके रखा था। तो इसको एक तरह का तंदूर का काम करता है, तो इसीलिए इसको पहले गर्म कर लेना चाहिए। फिर अब हम इसमें ढक्कन को हटा देंगे, ढक्कन में से रबर को हटा देंगे। और फिर जब रबर निकाल लेंगे और उसका सीटी भी निकाल लेंगे, दोनों को अलग कर देना है। और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं हम लोग इसको लगा लेंगे। तो इसका रबर हटाने के बाद इसको पूरा एकदम अच्छे तरीके से लगा लेंगे, और छेद को भी अच्छे तरीके से देख लेंगे कहीं कुछ है तो नहीं, और फिर एकदम लो फ्लेम ही कर देंगे। और गाइज ये देखिए 1.5 घंटा के बाद हम लोग का ये केक कितना सुंदर, 1 घंटा के बाद हम लोग का केक कितना सुंदर तैयार हो चुका है, एकदम तुरंत निकल भी जाता है ये प्लेट में। हम लोग को ज्यादा कुछ करने का पड़ा नहीं, क्योंकि मैंने वो कैमरा में नहीं दिखाया है, जैसे ही मैंने पलटा मुझे लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये तुरंत निकल गया था। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा स्पॉन्ज इतना हुआ है ना, बिना एगलेस अंडा है, बिना अंडे का है, तो ये आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी केक निकला है। उसको मैंने पूरा दबा दबा के देखा था, जो मैं क्या ही बोलूँ, एकदम सुंदर, एकदम खाने में भी टेस्टी। गाइज आप लोग ट्राई कर सकते हैं, माइके का ये केक का पाउडर है, सो मैंने पहली बार इसे बनाया है और ये सक्सेस भी हुआ। मैंने इसे फ्रिज में रख देना है, तो अभी हम रख देते, तो उससे पहले मैं एक का रिएक्शन